हेलो एवरीवन, आज मैं हूँ राजघाट में गांधी जी की समाधि के पास में। मैं आपको कोशिश करूँगा सारी चीज़ें मैं कवर कर सकूँ, सारी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे दिखाने वाली चीज़ें, देख सकने वाली चीज़ें, वो कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, आप इंजॉय करिए वीडियो। गाइस ये राजघाट की पार्किंग है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइस ये एरिया है जहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं राजघाट के लिए अंदर को। गाइस यहाँ सामने आपकी चेकिंग होगी, सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है, कुछ भी आप यहाँ पे ला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चेक कर लें कि कुछ भी ज्वलनशील पदार्थ, गुटखा वटका बहुत सारा मैं देख रहा था वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था, जो चेक कर रहे हैं उनने, और खाने पीने की चीज़ें सारी इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो अवॉइड करें वो चीज़ लाना यहाँ पे। और पार्किंग इसी एरिया में है और आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं अंदर। इसके बाद भाई चार गेट लगभग यहाँ पे हैं, और उसके अलावा पार्किंग वाला अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला गेट बेस्ट है पार्किंग के लिए, अभी यहाँ पे अवेलेबल है पार्किंग। भाई ये एंट्री गेट है और इसके बाद इस तरह से आपको बहुत बेहतरीन से फूल देखने को मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरह के फूल हैं। भी लोग आते हैं उनके लिए यहाँ से एंट्री होती है, गाड़ी अंदर ही जाती है, और जो नॉर्मल लोग हैं वो उनके लिए एंट्री यहाँ से नहीं होती। गाइस समाधि के पास में शो ले जाना अलाउ नहीं, आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसका। एंट्री करते ही आपका इस तरह का रास्ता आपको मिलेगा राजघाट के लिए, गांधी जी की समाधि के लिए। यहाँ पे सामने समाधि है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, और ये जो अंदर का एरिया है जहाँ पे गांधी जी की समाधि है, यहाँ पे आपको शू या सैंडल चप्पल जो भी है वो उतार के आने होंगे। ये गांधी जी की समाधि है। वैसे वीकेंड का दिन है तो अच्छा खासा रश है यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में, पीसफुल एरिया बहुत। खाना वगैरह कुछ अलाव नहीं है अंदर, आप जो भी लाते हैं वो बाहर सबमिट हो जाएगा। तो कोशिश करें जब भी आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आप बिना खाना पीने की ऐसी चीज़ें ना लाएं, और सिक्योरिटी अच्छे से चेक होती है। गाइस गांधी जी की समाधि काली संगमरमर का मंच बनाया है। ठीक है, गांधी जी की जब हत्या हो गई थी उसके एक दिन बाद ये एक्चुअली बनाया गया था, जो कि 31 जनवरी 1948 को ही बनाया हुआ था एक्चुअली। ठीक है, गाइस यहाँ पे जाने के लिए आप मेट्रो से जा सकते हैं यहाँ पे, और जो मेट्रो स्टेशन रहेगा पास में इंद्रप्रस्थ रहेगा जो कि ब्लू लाइन पे पड़ता है। इसके अलावा चांदनी चौक भी पास में पड़ेगा जो कि येलो लाइन में पड़ेगा। इसके अलावा आप खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं, पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे यहाँ पे, आप पार्किंग में लगा सकते हैं अपनी गाड़ी जो भी है। बहुत बेहतरीन घास बना रखी है, इतनी मेंटेन कर रखी है बहुत बेहतरीन तरीके से। एक गेट ये है जहाँ से नॉर्मल लोगों के एंट्री होती है, तो आप इस गेट से भी एंट्री ले सकते हैं। गाइस दिन के 3:30 लगभग अभी बजा हुआ है और बहुत तेज़ धूप है आज यहाँ पे। दिन में अगर आप अवॉइड ही करें इस टाइम पे आना, जाड़ों के टाइम पे ठीक है, जाड़ों के टाइम पे आप आ सकते हैं राजपथ में,
क्योंकि दिन में सही रहता है मौसम, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता, तो आप उस टाइम पे आ सकते हैं गुनगुनी धूप से। लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है एक्चुअली। अगर आप इस टाइम पे आते हैं दिन में, ऑफकोर्स 3-4 बजे तो बहुत बहुत तेज़ धूप है, तो शाम के टाइम में अवॉइड करिए। शाम के टाइम में आइएगा 5-6 बजे, लेकिन मैं टाइमिंग आपको मेंशन कर दूंगा कि इतना कितने से कितना ये रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप आ सकते हैं, ठीक है, वीकेंड को या फिर जब आपको टाइम लगे। बहुत बेहतरीन जगह है, पीसफुल एरिया, बहुत बेहतरीन लोकेशन। इस टाइमिंग जो रहेगी यहाँ की, सुबह 6:30 बजे से ये खुलता है और शाम को 6 बजे तक आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। गाइस, आई एम गेसिंग दैट यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। इफ यू फील दैट दीज वीडियोस आर गुड एंड यू कैन लाइक द वीडियोस, यू कैन कमेंट, यू कैन शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, right? And you can also suggest, if you need some improvement in the video, you can share your feedback so that I can work on that, right? So if you are feeling these videos are good, you can like that, comment that and share with your friends, okay? Thank you so much guys for your love. Thank you so much and have a wonderful day. Enjoy your day. I will upload the new video very very soon, okay? Thank you so much. Till then, take care. Bye. Bye, guys. Take care.